उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हर मुलाकात, हर नए समीकरण की आहट पर चुनावी पंडितों का ध्यान है। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे तो चर्चाएं गर्म होने लगी कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई नया सियासी समीकरण बनने वाला है। अब समीकरण बना या नहीं, लेकिन जनता ने तो अपनी राय रख दी और इन दोनों की इस तस्वीर पर कैसे जबरदस्त जवाब दिया वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि इन दोनों की क्या मुलाकात हुई और क्या बात हुई। ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय इसीलिए बनी क्योंकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी अपनी जड़ें जमाना चाहती है और अखिलेश यादव इससे पहले छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की वकालत कर चुके हैं। इस मुलाकात के बाद सवाल उठे कि क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कोई गठबंधन हो सकता है। ये सवाल आप नेता संजय सिंह से भी पूछा गया कि इस मुलाकात के क्या कोई सियासी मायने हैं। जवाब में संजय सिंह ने इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात करार दिया। यूपी की सियासत में नई हलचल ये तब हुई जब लखनऊ में अखिलेश से आप नेता संजय सिंह मिले, जन्मदिन की बधाई दी और बताया तो ये भी जा रहा है कि जिला पंचायत चुनाव पर भी जमकर चर्चा हुई और उसके बाद ये तस्वीरें खिंचाई गई। यूपी की जनता को संदेश दिया गया कि हम दोनों एक हैं। अब भले ही आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताया हो, लेकिन चुनावी मौसम में हर मुलाकात के मायने होते हैं। कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता और अब यूपी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की चुनावी गणित में कौन कहां पर फिट हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको देखना चाहिए कि संजय सिंह और अखिलेश यादव की इस तस्वीर पर, उनके इस गठबंधन पर जनता ने कैसे जवाब दिया। पंकज पंडित लिखते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, उंगली पर गिनी हुई सीट जीते हो चचा, दोनों फर्जी खबर फैलाने में उस्ताद हो, तुम दोनों सिर्फ हज हाउस ही बनवाओ, हिंदू से कोई लेना देना नहीं, तुम लोग अगर ऐसे ही करते रहोगे तो जनता ऐसे ही जवाब देती रहेगी। सचिन कोहली कहते हैं, जनता सब कुछ देख रही है अखिलेश भैया और बहुत कुछ समझ भी रही है संजय सिंह, भूल भ्रम में मत रहना कि अब उत्तर प्रदेश के सनातनी बंधुओं को तुम लोग बांट पाओगे, यहाँ कमल खिला है, खिलता रहेगा और तुम लोग देखते रह जाओगे। निशांत कहते हैं, आप चाहे आपके लोगों से मुलाकात करो या घटिया राजनीति करो, यूपी की जनता का साथ और अटूट विश्वास अपने पीएम और सीएम पे है और रहेगा, पंचायत चुनावों की जीत इसका ताजा उदाहरण है। अब संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात के क्या मायने हैं ये तो वो दोनों ही जाने, लेकिन जनता ने बता दिया कि यूपी में किसका राज चलेगा। देखना होगा कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में सत्ता का रुख क्या रहता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।